अगर आज धमकी दे नीतीश कुमार कि अगर मुझे विशेष राज्य का दर्जा ना मिला तो मैं समर्थन खींच लूंगा, तो आज के आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। कि आरा की धरती से उन्होंने बिहार के लोगों की बोली लगाई थी और बोली लगाकर चालू किया था 40,000 से 1,25,000 करोड़ तक ले गए थे, लेकिन वो 1,25,000 करोड़ बिहार को कहाँ मिला, उससे बिहार को क्या फायदा हुआ, हम लोगों को तो कहीं नहीं दिखा। अब ये नया सिगुफा छोड़ा गया है 52,000 करोड़ का पैकेज का, ये धरातल पर उतरेगा कि वही मोदी जी के हवाई सिगुफे की तरह हवा में उड़ जाएगा, इसलिए हम लोग चिंतित हैं। और जब बात बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की है तो ये विशेष पैकेज की क्या बात है, विशेष राज्य का दर्जा दें, अब तो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी मोदी जी के पीछे एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, तब भी अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल रहा है तब तो विडंबना है बिहार के लिए। अभी तो इनके हाथ में इतना पावर है नीतीश जी के, वो चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए सरकार को बाध्य क्यों नहीं कर सकते हैं? इनकी स्थिति इसी से समझ में आती है कि जब मोदी जी आए थे पिछली दफा तो पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग हुई थी, आपको याद होगा आप लोगों को, तो समझ लीजिए स्थिति की क्या स्थिति है। सरकार तो आपकी थी। हाँ, सरकार हमारी क्यों थी, इसीलिए हमने चर्चा को पैकेज दिया था, इसीलिए ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसी बात के लिए। मैंने आपको अपने संबोधन में भी कहा कि यह पैकेज देने की जो व्यवस्था, जो विशेष राज्य के दर्जा देने की व्यवस्था थी, पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो पहाड़ी राज्य थे उनको, इनके लिए थी, लेकिन उसके बाद यूपीए सरकार ने लोगों के आग्रह के बाद में रघुराम राजन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया और उन्होंने एक सूचकांक के व्यवस्था से जो बिहार जो राज्यों को जो पैकेज देना हो या दर्जा देना हो, एक सूचकांक की व्यवस्था की जिसमें 0.6 से ऊपर जिन राज्यों का सूचकांक में आता है वो अति जो है बहुत कम विकसित राज्यों की श्रेणी में उनको रखा गया, 0.6 से 0.4 के बीच में जो है वो अपेक्षाकृत कम विकसित हैं, और जिनका 0.4 से नीचे है वो उनको विकसित की श्रेणी में रखा गया। तो रघुराम राजन की कमेटी के रिपोर्ट को हम लोग तो लागू करते ही, अब तो लागू रिपोर्ट आया हुआ है, मोदी सरकार तो 2014 में तो मोदी सरकार आ गई, तो 2014 में तो इस रिपोर्ट को, रघुराम राजन की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था, सूचकांक की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए थी जिससे वैसे राज्यों को फायदा मिलता जो अति वो है पिछड़े हैं, उनको फायदा मिलता। आंदोलन का रुख क्या? आंदोलन का रुख यही है कि हम जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक पैकेज देकर बहला फुसला दिया गया नीतीश जी को, और नीतीश जी मान भी गए, उसमें हमने देखा कि जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ता अपना पीठ थपथपाते हुए दिखे हम लोगों को, उसी के लिए हम लोगों ने विरोध में अपना प्रदर्शन मार्च निकाला था, पदयात्रा निकाला था, जिसमें हम लोगों पर लाठियां बरसाई गई, सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस ठोक दिया गया नॉन बिलेबल, तो कांग्रेस उसको लेकर जमीन पर उतरेगी, और स्थिति यह है कि पूरा राज्य व्यापी धरना प्रदर्शन विशेष राज्य के दर्जे को होगा। जदयू वाले लोग भूल गए हैं, लोजपा ने भी इसमें समर्थन दिया था, लोजपा के लोग आज सरकार में हैं, डबल इंजन की सरकार है, अगर लोजपा जदयू सरकार में है, मांझी जी सरकार में है, और उसके रहते अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो बिहार के लिए विडंबना है, और वो भी ऐसे समय में जब बिहार के सांसदों के बदौलत केंद्र की सरकार टिकी हुई है। अगर आज धमकी दे नीतीश कुमार कि अगर मुझे विशेष राज्य का दर्जा ना मिला तो मैं समर्थन खींच लूंगा, तो आज के आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा।